नमस्कार एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। 11 दिसंबर के दिन होने वाले मुख्यमंत्री विवाह योजना के कार्यक्रम की तैयारियां प्रशासन द्वारा लगभग पूरी की जा चुकी हैं। शुक्रवार को जिले के आला अधिकारियों ने तैयारियों का निरीक्षण किया और तैयारियों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जाने वाली गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 11 दिसंबर के दिन नुमाइश पंडाल में करीब 4 सैकड़ा से अधिक गरीब कन्याओं को वैवाहिक संपर्क सूत्र में बांधा जाएगा, जिसमें 26 मुस्लिम जोड़े भी शामिल होंगे। इन सभी को प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा शुभ आशीर्वाद देते हुए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसी समारोह के आयोजन की तैयारियों की हैं। यहाँ भव्य पंडाल सजाया गया है, जिसमें 4 सैकड़ा से अधिक सभी जोड़ों को दंपत्ति सूत्र में बांधा जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने यहाँ निरीक्षण करते हुए तैयारियों का जायजा लिया और जहाँ छोटी मोटी कमियां थी उनको तत्काल सुधारने के निर्देश देते हुए समय रहते तैयारियों को भलीभांति पूरा करने के भी कड़े निर्देश दिए। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी इंदिरा सिंह ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कितने जोड़ों का विवाह किया है? हाँ, सबसे पहले तो बता दूँ कि डीएम साहब अभी आए थे और सीडो साहब हमारे हैं यहाँ पर, और सभी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। कुल जो है 401 जोड़ों का पंजीकरण हुआ है हमारे यहाँ, जिसमें कि 26 मुस्लिम हैं, 375 हिंदू मुस्लिम लोगों का है। सामग्री आ चुकी है जिसका कि परीक्षण किया जा रहा है और आप देख ही रहे होंगे टेंट लग रहा है। नगर पालिका के सभी कर्मचारी, विद्यालयों साहब के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। भोजन भी बनना शुरू हो चुका है, तैयारियाँ हो गई हैं, टेंट लग रहा है, मंच की सजावट हो रही है, सबके बैठने का स्थान यथास्थान नियत तय किया जा रहा है और उप निबंधन कार्यालय से भी विवाह पंजीकरण के स्थल पर ही होगा। बाकी सब चीज़ें यहीं पर होंगी, सभी तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम में कोई वीआईपी आने की संभावना? हाँ, यहाँ पर मुख्य अतिथि हमारे रहेंगे श्री रामेश चक्रवर्ती, कैबिनेट मंत्री, आबकारी एवं मंत्री से को भी निमंत्रण जा चुका है, अभी उनसे संपर्क किया जा रहा है। बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे जनपद के हैं, सभी को प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया है। अभी फोन से संपर्क करके उनको दोनों पुनः याद दिला दिया जाएगा, कल सभी लोग आमंत्रित हैं और मैनपुरी के सभी सम्मानित जनों को भी निमंत्रण जा रहा है। और आपके माध्यम से भी सबसे अपील करना चाहूँगी कि सभी लोग यहाँ शामिल हुआ कार्यक्रम में आएँ और यहाँ पर 401 जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। यूएफटी लैब के लिए देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट।